नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो कनिष्क लेखाकार के जो पदों पर 5,190 पद और 83 राजस्व लेखाकार के 198 पदों पर भर्ती निकली, उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो वो ध्यान से आप सुनना कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, कि बात चली थी कि 15 गुना इसमें कट ऑफ लोगों की जारी नहीं की गई है, तो हम कैसे पता करें कि 15 गुना में शामिल है या नहीं है। तो ये सरकार ने ऐसा कहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नियम के बाद में अब परीक्षा तो निःशुल्क होने वाली है, तो वे सभी फॉर्म भरेंगे इसमें जिसने सीटेट एग्जाम, जो ग्रेजुएशन लेवल वाला सीटेट एग्जाम है, वो आपने दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में उसमें से 15 गुणा की लिस्ट बाद में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि यदि पहले जारी करते हैं तो उसमें से यदि कुछ अभ्यर्थी, यदि पहले जारी करते हो उसमें जो 15 गुणा शामिल होते हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी निकलते हैं कि वो 15 गुणा में शामिल है लेकिन आवेदन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको, कहने का मतलब जिनको एग्जाम दिलाना है वो 15 गुणा बराबर स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा है कि ये जो 15 गुणा की लिस्ट है वो बाद में जारी कर दी जाएगी, इससे पहले कि आप अपना आवेदन कर देवे। और इससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण है कि, और इसमें बताया गया कि कनिष्क लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखने वाले ही अभ्यर्थी आवेदन करें, और इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए एक अलग से वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक दे दूंगा, तो जरूर जाकर के उस वीडियो को देख लेवे। और गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थी को भी डी बार मतलब वंचित किया जाएगा इससे। और शर्मा ने बताया कि इसलिए वे अभ्यर्थी आवेदन करें जो इन पदों की योग्यता रखते हैं। एक तो आपके सीटेट दिया हुआ होना चाहिए, सॉरी, आपके सेट दिया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल वाला, और जो इसकी योग्यता है, जो भी इसकी योग्यता चाहिए वो आपके पास में होने चाहिए, वही आवेदन करें। और यदि आपने गलत योग्यता, गलत आप कुछ भी योग्यता बता देते हो, भर देते हो, तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 27 जून से प्रारंभ हो जाएगी और 26 जुलाई तक इसमें आवेदन आप कर सकते हो। तो आप बिना टेंशन लिए, जिन्होंने भी समान पात्रता परीक्षा सेट ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम दिया है, तो जरूर आप इसमें अप्लाई कर देवे। और बाद में इसमें लिस्ट जारी हो जाएगी कि कौन कौन लोग, किस में लोग शामिल है, ताकि इसमें एग्जाम के अंदर कम लोग ना बैठ पाए। तो इसी प्रकार की न्यूज़ और अपडेट जानने के लिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।